Welcome to my channel. And before watching the video, subscribe and press the bell icon. Good morning, dear students. Mazashfiq here, AGSK platform se. Class 5 Mathematics Countdown Series. आज इस सिलसिले की नई वीडियो है. उम्मीद करता हूँ पिछला काम आपने कंप्लीट कर लिया होगा. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले बच्चों को या उनके पेरेंट्स से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जरदाशिया जरी मोटिवेशनल स्पीकर, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करके क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई तमाम वीडियोस जो हैं वो उसका नोटिफिकेशन आपको वसूल हो सके और आप उनसे मुस्तफीद हो सकें. तो आइए चलते हैं बुक की तरफ, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4B पेज नंबर 76 आपके सामने है. पहला क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स. एक्सरसाइज के हवाले से कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ. ये डेसिमल्स के हवाले से हमारे पास इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारी चीज़ें होंगी. मेनली ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से बेस्ड है, और इसमें जो 10 के मल्टीपल्स हैं, 10, 100, 1000 और इससे बड़े, उनके साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपने लर्न करने हैं. एक राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट है, वो आपने देखना है. जो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ. क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स. मिक्स फ्रैक्शन है 15/3/1000 कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फ्रैक्शन विल बी. मैं ये नहीं आंसर पहले लिख के रखें, साथ साथ एक्सप्लेन करता चाहूँगा आपको. जब भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शन हो तो ये अंडरस्टूड बात है कि ये डेसिमल प्लेस की लेफ्ट साइड पे आएगी अशारिये या डेसिमल से पहले. ये अंडरस्टूड बात है क्योंकि ये इससे बड़ी है तो बटे में ये मौजूद है और ये साइड पे. उसके बाद जो ऊपर वैल्यू है उसको आप राइट कॉर्नर पे ले जाएं, और उसके आगे आपने जितने ये ज़ीरो हैं ना जी, वन नहीं काउंट करना. वन चूँकि डेसिमल प्लेस की जगह पर होता है, पॉइंट जहां लगता है, ये जितने जीरो हैं इन डिजिट्स को मिला के उतने जीरो पूरे करने. यानी ये एक डिजिट तो ये है 1-1, तो आगे दो जीरो और लगाएंगे तो इसके 1-1 इसकी कंपैटिबिलिटी बनेगी, तो 0-0-3 आएगा पॉइंट के बाद. तो जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 15 पॉइंट इसके 1 के ऊपर पॉइंट आ गया 0-0-3, ये मैंने लिखा हुआ है. सिमिलरली 0.006 मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो योर आंसर वुड बी 6. याद रखिएगा, अगर आप इसको इस तरफ शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, तो जितने डिजिट्स आप इधर को मूव करेंगे उतने डिजिट्स के जो ज़ीरो हैं वो इधर लगेंगे साथ. ठीक है जी, इसी तरह. तो इसका आंसर इस एंगल से आप ये देखें कि ये 3 जीरोस हैं तो 1-2-3 है, 1-2-3, तो पॉइंट आपका शिफ्ट हो गया यहाँ पे. ठीक है जी, जो 1 की जगह बनेगी. तो जब 6 पॉइंट आ जाएगा तो इसका मतलब है आपका आंसर आ गया 6, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 6.0000. नेक्स्ट आप देखें 4.56 डिवाइडेड बाय 100. अच्छा जी, जब हम डिवीजन करेंगे 10 के मल्टीपल्स के साथ, यानी 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, लाख से, तो हम क्या करेंगे कि हम जीरोस के लिहाज से अशारिये को लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे. तो 2 हमारे पास ये जीरोस हैं, 1 हमारे पास डिजिट पहले है, पॉइंट को एक डिजिट हमने और उधर मुंतकिल करना है. 0-4 हो गया और ये पॉइंट आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 0.0456 आंसर. उसके बाद 1/4 एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल फ्रैक्शन इज 0.25. इसका मतलब ये है कि आप इसको अगर 100 करें, ठीक है, और इसको आप 1 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.25 आएगा, अगर आप इसको दूसरी तरह से तकसीम भी करते हैं, यानी 1 का चौथा हिस्सा है ये. अच्छा जी,
0.125 मल्टीप्लाइड बाय 100, ऊपर मैंने अभी आपको समझाया है बी वाले ऑप्शन में कि जब आप इसको किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इशारिये को आप राइट साइड पे उसको मूव ऑन करेंगे। तो अब आप ये देखिए कि मैंने बताया आपको जीरोज आपने देखने हैं, उन्होंने आंसर आपको दिया है 12.5 12.5, और आपने ये बताना है कि किससे मल्टीप्लाई करें कि 12.5 आ जाए। तब आप देखें कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कितने पॉइंट्स जो है वो कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट्स लगा रहे हैं। तो इधर वन से पहले यानी वन और टू, 12.5 वन और टू के बाद, टू डिजिट्स के बाद आप पॉइंट प्लेस कर रहे हैं। दैट मींस के वन के साथ आपने उतने जीरोज लगाने हैं। टू डिजिट की शिफ्टिंग है तो 20, थ्री डिजिट्स की शिफ्टिंग होगी तो 30, फाइव डिजिट्स की शिफ्टिंग होगी तो 50। गॉट माई पॉइंट? ठीक है जी, तो ये इस तरह से होगा। नेक्स्ट पेज पे आप देखें, अगर क्वेश्चन नंबर टू है ट्रू और फॉल्स, 85.085 राउंडिंग ऑफ टू टू डेसिमल प्लेसेस विल बी 85.09, दिस इज राइट। ठीक है जी, और द क्वोशेंट ऑफ 68.5 डिवाइडेड बाय 10 टू द नियरेस्ट होल नंबर विल बी 69, ये रॉन्ग होगा। 102 by 10 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज 102.01। ये 0.1 हो सकता है क्योंकि एक वन ऑन वन कंपैटिबिलिटी है और वन के ऊपर इशारिया लगना है, तो ये बनेगा 102.1। तो ये चूंकि 01 दिया है इसलिए ये रॉन्ग है। टू चेंज 0.813 इनटू अ होल नंबर वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय 1000, बिल्कुल ठीक है, चूंकि आपको तीन डिजिट्स तक इशारिया इस तरफ मूव करना पड़ेगा तब ये मुकम्मल नंबर बनेगा, तो हम इसको थ्री जीरोस वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 7.49 एंड 8.5 हैज़ थ्री डेसिमल प्लेसेस, बिल्कुल ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप मल्टीप्लीकेशन डेसिमल की करते हैं ना जी, तो ओवरऑल आप पॉइंट्स के डिजिट्स के बाद, डेसिमल के बाद के डिजिट्स को काउंट करके जवाब में उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद इशारिया लगाते हैं। मतलब अगर इधर भी दो हो तो दो इसके चार डेसिमल प्लेसेस के बाद इशारिया लगेगा जवाब में। ये भी हम आगे सवाल हल करते हैं तो फिर साथ साथ आपको बता दूंगा मजीद। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 18.2065। आपको याद होगा पीछे मैंने आपको बताया था किसी एक्सरसाइज में कि पॉइंट के बाद जो ये होती हैं, पहली 10th प्लेस होती है, दूसरी 100th होती है और तीसरी 1000th होती है, तो ये 1000th प्लेस वाला है। 2.56 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू, अभी हमने पीछे ये डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर वन फिल इन द ब्लैंक्स में, क्या आपने जब इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करना है तो आप इसका इशारिया लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे। कितने डिजिट्स? जितने ये ज़ीरो लगे। हमारे पास तीन ज़ीरो हैं और यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट है इशारिये के पहले, तो हम इस तरफ को दो डिजिट और लगाएंगे, तो ये दो ज़ीरो हमने और लगा लिए, पॉइंट लगाया और ज़ीरो लगाया। ठीक है जी, 0.00256 169/100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन विल बी 1.69, क्योंकि ये वन ऑन वन कंपैटिबिलिटी 6 और 9 की 0-0 के साथ और इसके ऊपर 6 के बाद यहाँ इशारिया आ जाएगा। व्हेन 8.5 इज डिवाइडेड बाय 5 द रिजल्ट विल बी, इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8.5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 17 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा और 17/10 बराबर होगा 1.7 के। ठीक है जी, उसके बाद देखें जी, ऑन द गिवन नंबर लाइन, नंबर लाइन दी गई है 1 है, 2 है, 3 है, द शेडेड पार्ट राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज, तो 3 के आगे देखें तो ये दो पॉइंट्स हैं जो उन्होंने कलर्ड किए हैं, यानी ये 3.2 लिखा हुआ है,
तो 3.2 को जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो राउंड ऑफ का चूंकि फार्मूला ये है कि 5 से कम होगा तो आप उसको उधर ही ख़त्म कर देंगे, अगर 5 से ऊपर होगा 6-7 तो आप लेफ्ट साइड में एक जमा कर देंगे। ये राउंड ऑफ का फार्मूला है। तो 3.2 को आप 3 लिख देंगे। ठीक है जी, चलते हैं जी अब सवाल हल करने की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, मल्टीप्लीकेशन का है, मैंने लिख के रखा हुआ है 3 × 4 इज इक्वल टू 12, 2 लगेगा, 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है जी, 3 × 2 6 प्लस 1 7। हमने अभी डेसिमल को नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से डेसिमल प्लेसेस गिनेंगे कितनी। इसके साथ डेसिमल कोई नहीं है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसके साथ डेसिमल है तो इसकी कितनी प्लेस है, 1 प्लेस है। तो हम 1 इधर से स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट हम डेसिमल प्लेस 1 पे लगा देंगे। इसी तरह ये है 3 × 5 15, 1 कैरी गया जी, 3 × 0 प्लस 1 1, 3 × 9 = 27 7 लगा, 2 कैरी चला गया, 3 × 7 = 21 और प्लस 2 = 23। ठीक है जी, अब यहाँ पर भी चूंकि डेसिमल नहीं है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं डेसिमल के बाद, 1 2 3, तो 1 2 3 के बाद हम यहाँ पर डेसिमल प्लेस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था क्वेश्चन नंबर 1 में, कि अगर हम उसको 10 के मल्टीपल्स यानी 10,000 के साथ ज़रब देते हैं या तकसीम करते हैं तो क्या करना है। इफ वी डिवाइड एनी वैल्यू विद 10 मल्टीपल्स तो डिवीजन में आप जो डेसिमल पॉइंट है इसको उठा के लेफ्ट की जानिब शिफ्ट कर देंगे, उतने डिजिट्स आप शिफ्ट करेंगे, उतनी प्लेसेस आप शिफ्ट करेंगे जितने ज़ीरोज होंगे इंक्लूडिंग दिस वैल्यू। और अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यही हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में करना है। यानी ये 59.6 है और पॉइंट के नीचे चूंकि 1 होता है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो एक डिजिट हम, एक ज़ीरो है तो एक डिजिट हम इधर शिफ्ट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 596.0। वो आप लिखें या उसको बेशक एलिमिनेट कर दें। इसी तरह इसको उन्होंने कहा 10 से भी करें 100 से भी करें, तो दो जगह पे हमने इसको जब करना है तो ये हो जाएगा 59.6 और आगे 2 ज़ीरोस, एक ये और एक ये वाला ज़ीरो, दो हो जाएंगे, एक ये वाला ज़ीरो 1 on 1 और एक ज़ीरो मिसिंग है वो हम इधर लगा देंगे 0.0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इशारिये के इस तरफ अगर कोई दूसरा डिजिट ना हो और खाली ज़ीरो हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिएगा, ये डिवीजन है तो इसमें हमने पॉइंट को, डेसिमल प्लेस को लेफ्ट की तरफ मुंतकिल करना है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये एक ज़ीरो है ना, और ये एक डिजिट इस तरफ को मूव ऑन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.318। ठीक है जी, और इसी तरह से ये है तो इसके दो डिजिट्स होंगे 0, 0, 2, एक ये हो जाएगा, एक और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0651। इसी तरह ये है 10 के साथ है तो ये हो जाएगा 0.624। लेफ्ट की तरफ हमने मूव करना है, राइट से लेफ्ट की जानेब 6.94। तो दो ज़ीरोज़ हैं, दो डिजिट हमें चाहिए हैं, तो 0.06, एक ये एक इससे आगे 0.694 पॉइंट ये होगा आपका। ठीक है जी, ये आंसर होगा 4.5 को कितने, 1, 2, 3 तीन ज़ीरो हैं जबकि एक हमारे पास मौजूद है। मुझे ये लिखने दें पहले, अब देखें ये एक मौजूद है, एक कट गया, दो रह गए, दो ज़ीरो हम यहाँ ऐड करेंगे फिर पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.0045 दिस वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 मिसिंग हो गया, वो मैं आपको एक क्वेश्चन उसमें से करवा देता हूँ।
13.6 डिवाइडेड बाय 4। तो आप सिंपल इसको 13.6 ऐसे लिखें, 4 से मल्टीप्लाई करें। आप ज़हनी तौर पे इस इशारियों को भूल जाएं, सिर्फ आपने इसको डिवाइड करना है। तो 4 3s are 12, यहाँ से एक माइनस आया, 6 ऊपर से डाउन किया, 4 4s are 16, कंप्लीशन हो गई। अब देखें यहाँ पे डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद है, 1 प्लेस के बाद है, तो आप 1 प्लेस के बाद डेसिमल उसका प्लेस कर देंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस तरह से होना है। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट 1 है 4B एक्सरसाइज का, जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया है। एक्सरसाइज लंबी है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे स्टार्ट करेंगे। जी तो बेटे, आपने लेक्चर सुन लिया सारा। आपको पता है, हर वीडियो की तरह मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूं कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, हर क्वेश्चन में से कुछ पोर्शन सॉल्व करते हैं और कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं जानबूझ के। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपकी स्ट्रेंथ जो है वो वीकनेस में चेंज हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते। तो कुछ क्वेश्चंस जानबूझ के छोड़े जाते हैं ताकि आप अपने एल्डरली पीपल के साथ, बड़े बहन भाई मामा पापा के साथ बैठ के उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर सकें, आपकी ब्रेन स्ट्रीमिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग हो। अच्छा, तो नेक्स्ट बात ये है कि आपने तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो वीडियो में करवाए गए हैं और इसके अलावा जो छोड़ दिए गए हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो के कमेंट्स में बताना है कि मैंने कर लिया है या मुझे आई हैव डन माय वर्क, और इज देयर एनी प्रॉब्लम दैट यू फेस व्हाइल सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वीडियो कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। गाये बगाए हम मुख्तलिफ वीडियोस में, जो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वो भी शेयर करता हूँ। जिन बहन भाइयों को कोई प्रॉब्लम हो, मैं इन पर्सन भी उनकी फेवर करता हूँ और उनको शॉर्ट वीडियोस बना के उनका सलूशन देता हूँ, तो आप उस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और खुशखबरी देता चलूँ कि पढ़ाई के साथ साथ आपको पता है कि एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, और बच्चे शरारती होते हैं, तो हमारे भी दो नन्हे मुन्ने शरारती एलिमेंट्स हैं, तो उनके बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए उनका हमने एक चैनल बनाया है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा उनकी वीडियोस देख के। इज़हाब्स टीवी चैनल यूट्यूब पे भी और फेसबुक पेज भी उसका मौजूद है, इसी नाम से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, या वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया होगा। तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों को उस चैनल पर लाएँ, जो फॉरेन आपके चैनल्स हैं डिफरेंट कार्टून्स और लाइकवाइज ये वो, उनकी निस्बत आपको ये चैनल इंशाल्लाह एक हेल्दी इस्लामिक मोटिवेशनल एजुकेशनल और एंटरटेनिंग वीडियोस फ्राहम करता रहेगा। क्योंकि ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ चूँकि एजुकेशनिस्ट हैं, तो हम लोग हमारा मकसद ही ये है कि बच्चों की एक अच्छे अंदाज में मिजाह भी हो, तरबियत भी हो, हंसी मजाक भी हो, बच्चे खुश भी हों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो। थैंक यू वेरी मच।